हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर आप सब लोगों को यूं ही स्वस्थ रखे, मस्त रखे और आप सब अपने जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। और हो चुकी है आज की शुरुआत और आप सबको हमारा यानी शिवानी का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। प्रभात आप लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज का यह वीडियो मैंने दोपहर से स्टार्ट करा है, तो आपने पहले देखा था कि मैंने चादर लगा दिया था बेड का, क्योंकि सुबह कपड़े धुले थे बहुत सारे और सुखाने के बाद मैं उनको निकाल के रख आई हूँ, क्योंकि मैं सूट नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा। पहले भी आप लोगों को पता है मैं जंगले पे रख के ही सूट कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत जहाँ फ़ोन रखने का व्यवस्था होता है वहीं पे रख के सूट कर लेती हूँ। और ये मलाई रखी थी फ्रिज में, तो वही मैं आज इसको घी बनाऊँगी। और मलाई 2 कटोरी हो गया था, इसलिए मैंने सोचा बना देती हूँ। और बाबू सो रहा था अंदर और दोपहर का समय था, करीब बजे होंगे और 4। जब काम पड़ा होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि बस ये काम हो जाए। और ये ना मलाई 3-4 दिन से सोच रही थी कि आज कर लेती हूँ, आज कर लेती हूँ, और ये संडे वाला दिन है तो मैंने उसी दिन कर लिया है, तो लगभग हमारा हो ही गया है। और इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी मिक्स कर दिया है, तो आराम से अच्छे से और निकल आई है। ये देख लीजिए आप, भगोने में कुल सारा सा मक्खन निकल आया है। हमारे यहाँ इसको नैनू भी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये जो जन्माष्टमी पे मैंने बनाया था लड्डू गोपाल जी के लिए, वो भी रख दी थी फ्रिज में, तो ये भी उसी में डाल दिए। और ये ठंडे पानी में करके रख दो तो अच्छे से एकदम से बंद के निकलती है। और दोस्तों, आपने हमारा पिछला वीडियो देखा, उसके लिए आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने निकाल के रख लिया है कढ़ाई में, और अब ये इधर बनती रहेगी और हमें अभी और सारे बाकी काम करने हैं। और क्या कहते हैं, घर पे मूंगफली रखी थी ना कच्ची, तो उसको पहले मैंने भिगो दिया था आधा एक घंटे के लिए, और अब कुकर में डाल के इसका होरा बनाएंगे, नमक डाल के। अच्छा लगता है खाने में। तो आ गई हूँ मैं इधर, और मैंने सुबह धुले थे कपड़े, तो इनको फटाफट से तय मार के रख देती हूँ। उधर घी बन रहा है, बीच बीच में मैं घी को भी देख लेती हूँ और कपड़े भी तय मारते रखते जा रही हूँ। और कपड़े कुछ ज़्यादा ही थे सुबह, क्योंकि संडे था ना, तो संडे को कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, ऐसा लगता है ये कर लो ये कर लो, काम सारा फैला रहता है। तो आप लोग देख रहे होंगे कंबल, हाँ तो सर्दी लगती है ना रात में, तो कंबल ओढ़ लेता है बाबू। और इधर मैं सारे कपड़े तय लगा के रख देती हूँ। और दोस्तों, आप लोगों ने हमारा पिछला वाला वीडियो देखा, उसके लिए आप लोगों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा सारा काम हो चुका था सुबह, तो ये दोपहर का ही बचा है, मैं सोच रही हूँ जब तक कर लेती हूँ। और आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कर दिया करें। और छोटे छोटे कपड़े ज़्यादा ही हो जाते हैं बाबू के, और क्योंकि बार बार वो गीले कर देते हैं, तो बार बार उनके चेंज करने पड़ते हैं, और दिन में 2-3 बार ड्रेस चेंज कर ही लेते हैं। और इधर मैं बार बार वही घी देखने जा रही हूँ कहीं जल ना जाए, तो इधर दूसरा काम कर रही थी और घी भी देखती जा रही थी इसलिए। और घी लगभग हमारा बनने को है, तो इधर हमारे कपड़े भी सारे तय हो गए हैं।
दोस्तों अल्युमिनियम की कढ़ाइयाँ जो होती हैं ना, तो ये बाद तक गर्म बनी रहती हैं, इसलिए गैस मैंने बंद कर दिया था और घी बाद तक मतलब गर्म बना रहता है, नहीं तो खारा हो जाता है, इसलिए मैंने पहले ही बंद कर दिया था। और इधर ठंडा हो गया है, इसके बाद मैंने इसको छन्नी से छान के रख दिया है। और छन्नी स्टील की है, इसमें ना महीन वाले छेद हैं तो अच्छे से छन जाता है। और मौसम थोड़ा हल्के बादल जैसे थे, इसलिए मैं सारे कपड़े पहले ही उतार लाई थी। और ये देख लीजिए, मूंगफली भी मेरी हो गई है, गर्मा गर्म है। आप लोग भी आइए, हो रहा खा लीजिए आके। और दोस्तों ये दूसरे दिन का वीडियो है जो मैंने शूट करा है। और जन्माष्टमी पे सारा सामान पूजा करते समय इधर उधर हो गया था, अस्त व्यस्त सारा हो रहा था, तो ये सारे उनके कपड़े मैंने निकाल के रखे थे, तो इनको पैक करके रखना था। सोच रही थी अभी कर दूँ, तो जब ये सोते हैं तभी मैं ये सारे काम करती हूँ। और ये सारे कपड़े मैंने पैक करके सारे रख देती हूँ। और ये मैं तुम्हें दिखा रही हूँ, मेरी दीदी ने बनाया है। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इधर मैंने सारे कपड़े उनके रख दिए हैं, कान्हा जी के हैं ये सारे। और ये इस बैग में मैं उनके मुकुट वगैरह और ये जो हाथ में पैर में कंगन वगैरह पहनते हैं ये सारे मैं इसमें रखती हूँ। और डलिया में रख देती हूँ उनके कपड़े। और ये डलिया ना ढक्कन वाला है, तो ये अच्छे से रख जाता है अलमारी में, इसीलिए। और सामान जब अच्छे से रख दो तो पूजा करते टाइम वो सही से मिल जाता है कि हाँ कहाँ चीज़ मैंने कहाँ रखी है, ये चीज़ कहाँ रखी है। और तो ये सारे पैक करके इनके कपड़े इसी में मैं रखती हूँ, ये डलिया है बॉक्स जैसा, तो इसी में रख देती हूँ। और मैंने मंदिर में पीले कलर का पर्दा लगाया है, और मंदिर तो जन्माष्टमी पे साफ ही करा था सारा, और ये सारा जो सामान था यही बस फैला पड़ा था। तो सोच रही थी अभी कर लेती हूँ, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। सोचती हूँ जब ये सोते हैं ना दोपहर में, तभी मैं काम करती हूँ। और ये भी दोपहर का ही वीडियो है, तो ये सारा देख लीजिए सारा फैला पड़ा है। और ये सारी छोटी छोटी बुक्स है, चालीसा वगैरह हैं, दुर्गा चालीसा वगैरह वही हैं, तो इनको मैं समेट के अच्छे से रख देती हूँ। सारा अस्त व्यस्त लग रहा था। और पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि मैंने मैट बनाए थे, तो मैंने ये एक मंदिर के लिए आसन बना लिया है। और अभी 5 तो ये इधर कुर्सी पे रख दिए हैं, और तो मुझे अच्छे लगे कि मंदिर में है अच्छा लगेगा, तो मैंने मंदिर के लिए एक आसन ही बना लिया है पूजा करने के लिए। इसी पे खड़े होकर या फिर बैठ के पूजा कर लो अपना आराम से। और उधर का काम हो जाता है, इसके बाद इधर भी बक्सी को ऊपर जैसे कि पर्दे और ये चादर वगैरह रखे रहते हैं, तो वही हैं, इधर उधर सारे हो गए थे। मैंने कहा इनको भी तय मार के रख देती हूँ, एक जैसे सारे फैले जैसे पड़े थे ना सब, ये देवू वेदू खींच देते हैं इधर उधर करके, ऐसे ही कर देते हैं, तो इनको भी रख देती हूँ। और मैं सोच रही थी बाबू सो ही रहे हैं, तो जल्दी जल्दी ये सारे करके रख देती हूँ, नहीं तो जग जाएंगे फिर नहीं करने देते हैं। और इधर करो और इधर वो फैला देते हैं। और इधर भी सारा हमारा काम हो गया है। उसके बाद आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और आज का वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया है, मैंने बहुत ही एडिटिंग करी तब इतना हो पाया है, और काफ़ी लंबा हो गया था। और इधर सारे कपड़े हमारे तय हो गए हैं, इसके बाद रूम में लगा लेती हूँ झाड़ू। झाड़ू पोछा मैंने सुबह कर लिया था, उसके बाद ये दोपहर का है। तो
तो आ गई हूँ मैं इधर, तो साफ़ करनी थी फ्रिज। फ्रिज देख लीजिए आप लोग, बहुत ही गंदा पड़ा है और काफ़ी दिन से साफ़ नहीं करा है। और ये दो मिठाई के डब्बे हैं, ये रक्षाबंधन की मिठाई का है और एक विधु के मामा लेके आए थे लड्डू, तो उसका है। लड्डू रखे हैं कब के, देवू के जन्मदिन के, अभी भी ख़त्म नहीं हुए हैं। और ये सारी मैं निकाल लेती हूँ, डिग्गी वगैरह, इसकी डलिया जो रहती है, प्लेट्स रहते हैं, फ्रिज के ट्रे वगैरह, इनको सारा मैं धुल लूँगी क्योंकि छूट नहीं रहा था। गीले कपड़े से पोंछ रहे थे, सूखे से पोंछ रहे थे, वो नहीं छूट रहा था, फिर मैंने धुल ही दिया सीधे। इसके बाद एक कॉलिन लेके और अच्छे से साफ़ कर दिया था अंदर, और उधर जो धुल लिए हैं पानी अच्छे से नीचे उड़ जाएगा, इसके बाद मैं लगा दूँगी फ्रिज में। तो दोस्तों बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। मैं जानती हूँ वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, आप लोग पूरा देखिएगा प्लीज़। तो कर दिया है फ्रिज, हो गया है साफ़। और अब लगा देती हूँ जो सामान रखा था, दूध वगैरह, और कटोरियों में सब्जियाँ रखी हैं, और मतलब कुछ भी नहीं है, यही रहते हैं ज़्यादातर हम लोगों की फ्रिज में। और खाने पीने का जो रहता है वही है बस थोड़ा सा। ये देख लीजिए लड्डू रखे हैं, वेदू के मामा लेके आए थे उनके बर्थडे पे, और जो रक्षाबंधन की मिठाइयाँ थी वो सारी ख़त्म हो गई है। और थोड़ी थोड़ी सब्जी करके काफ़ी सब्जी थी, तो मैंने सारा उसको उठा के फिर धुला है, उसके बाद ही रख रही हूँ। परवल टमाटर यही सारा सब कुछ है। सारी सब्जियां छोटी छोटी पन्नी में रखी थी मैंने, सारा एक ही पन्नी में, जैसे थोड़ी थोड़ी हैं तो एक ही पन्नी में करके एक ही जगह रख दी हैं। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये ना सिंगाड़े का आटा है, तो व्रत वगैरह में खाने के लिए रहता है। और ये सिंगाड़े ना हमारे मायके में होते हैं, वहीं से मेरी मम्मी ने भेजे थे, वही पीस के रखा हुआ है। तो दोस्तों फ्रिजरेटर मेरा साफ़ हो गया है और मैंने सारा सामान लगा दिया है। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चॉकलेट भी रखी है, आप लोग आ जाइए खा लीजिए डेरी मिल्क। और इधर मैं किचन में आ गई हूँ, वो जो नहीं पहले दिखाया था अभी किशमिश, तो इसमें दही चला गया था शायद, तो चिकना चिकना सा ऐसे लग रहा था। इसको 2-3-4 बार धोया और इसके बाद ही इसको अभी छत पर डालूँगी जाके। तो दोस्तों इसी के साथ आप सबसे लेती हूँ विदा, मिलती हूँ और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे, राधे राधे दोस्तों।